हाँ ये अच्छा लग रहा है, अच्छा है, पहन के देखना। इन दोनों में से वही बेस्ट है। अबे दोनों पहन के देख बहन। ये मैंने देखा तो पहन के, बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा ये? 7 नंबर ही आएगा लास्ट। तो फिर ले ले, वही लो या ये लो, वो बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को। ले ले भाई। अरे ये मत ले तू, मेरे पास ऑलरेडी सेम है। मेरे तो पैर पे भी यूज कर लियो, पैर पे भी नहीं घुस रही यार। इसके कुछ नहीं आ रही है, ये भी अच्छी लग रही है। ये अच्छी लग रही है। भाई ये कितने की, ये कितने की? 250। फिर भी वैसी है आप बढ़िया है, यही दे दो बस। भैया साफ कर दो, कितने की बोल रहे हो? वाह पिंक अच्छा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बन रही है मैगी, ये रखा है चाय के लिए दूध, और अभी फ्रेंड्स लेके आए थे ये देखिए, ये है गर्मा गर्म जलेबी, और ये है पालक के पकौड़े, और आलू और भजिया टाइप होती है ना वो। ये खाने के बाद 10-15 मिनट के बाद ये समोसे की चाट भी आ गई, तो आज तो इतना ज़बरदस्त खा लिया है ना। और ये बहुत ही टेस्टी थी, समोसे में दही डाल के चटनी डालते हैं ना, बिल्कुल वैसी। आज है 9 तारीख और अभी मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ, अशोक नगर के मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से मुझे जाना है राजीव चौक, राजीव चौक से मुझे एक और जगह जाना है, और अभी मैं अपनी मेट्रो का वेट कर रही हूँ, और पीछे शायद मेट्रो आने ही वाली है, तो मेट्रो में बैठ के फिर आपसे थोड़ी बातें करती हूँ। दोस्तों आज तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, शायद डिहाइड्रेशन हो गया, बाहर का खा खा के ऐसा हो गया। जस्ट अभी अपने लिए लेके आई थी ORS घोल, कहाँ गया दिख भी नहीं रहा है। ये देखो, इसे बोला है कि 1 लीटर के बोतल में डाल के फिर पीना है, उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा। गर्मी इतनी है ना यार यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा। फ्रूट्स भी लेके आई हूँ मैं, एक मैंगो लेके आई और एक वाटरमेलन,
तो ये देखो ये मैंने बनाया अपना, गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह से कल से कुछ नहीं खाया, एकदम उल्टी जैसा लग रहा है, बहुत उल्टी आ गई है यार। और सुबह से रेस्ट कर रही हूँ, कोई वीडियो वीडियो नहीं बना पाई, जस्ट अभी अपने लिए कुछ लेके आई हूँ, छोले कुलचे तो वो आपको दिखाऊंगी। और मुंह थोड़ा सा ऐसे गंदा गंदा हो रहा था ना, तो ये लेके आई हूँ काला खट्टा। मुझे पता है इस टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पर बहुत वॉमिट आ रहा था यार। और ये लेके आई हूँ छोला कुलचा, तो ये भी खाऊंगी। और सच्ची बताऊँ ना, बात भी नहीं हो पा रही, जब बैटर फील करूँगी ना तब मैं इसी के आगे से वीडियो बनाती हूँ। ये काला खट्टा खाते ना तो एकदम मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है, बचपन में हम बहुत खाते थे यार ये। और यहाँ पे जो छोले कुलचे हैं ना, ये फट से बन जाते हैं, थोड़ा कम भी तेल होता है, तेल होता ही नहीं है छोलों में, तो तेल होता ही नहीं है, कुलचों में भी बहुत कम होता है, शायद बटर से सेकते हैं, इसलिए हमेशा ये लेके आती हूँ। कल से कुछ नहीं खाया था पूरे दिन से मैं। अभी जस्ट नहा के निकली हूँ, और अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है, पर फिर भी कमज़ोरी तो लगी रही है। थोड़ा बाहर से सामान लेके आई खाने पीने का, आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो लीची जूस, तो क्या क्या लेके आई हूँ दिखाती हूँ। तो एक तो ब्रेड लेके आई हूँ, एक बटर लेके आई हूँ, और ये मैं दो ORS की घोल लेके आई हूँ, जिसे मैं पानी में भी डालूँगी। और पहले वाला ये है, तो यही वाला पहले डालती हूँ। अब पानी एकदम ठंडा है यहाँ पे, इसमें ये डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा शोर शराबा रहता है यार, इसलिए हमेशा वीडियो के पीछे आवाज़ें आती रहती होंगी। मैं सच बता रही हूँ, इस गर्मी में एक ORS का पैकेट आप सब अपने मतलब उसमें रखा करो यार। ये रहा मेरा खाना, ये ब्रेड है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ना काला नमक लगाया है बटर के अंदर, बहुत अच्छा लगता है मुझे इसे। ये मैं खा रही थी यार वाटरमेलन, ये मेरे से पूरा खाया ही नहीं जा रहा था, तो मैंने अभी लिया है। फिर ये जूस, और ये मेरा ORS खोल। प्लीज़ यार दुआ करना मैं जल्दी से जल्दी सही हो जाऊँ, गर्मी बहुत हो रही है यार, इसलिए थोड़ा सा इसे चला देते हैं। यार लीची का जूस इतना, लीची का जूस बिल्कुल भी मीठा नहीं लग रहा है यार, या तो मेरे जीभ खराब हो गई इसलिए वजह से भी हो सकता है। तो दोस्तों आज है डे टू तबीयत ख़राब का, और अब बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली आज बहुत थोड़ा सही लग रहा है। और आज मैं खा रही हूँ ब्रेड एंड बटर, ये एज यूजुअल, उसके साथ अपना ORS का घोल पी रही हूँ, जिसने मेरी बहुत 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 मदद की है।
अभी मैं सोच रही थोड़ा सा टीवी चला लूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे चलेगा। आई गेस चल गया। मैंने कभी टीवी चलाया नहीं है यार, यहाँ पे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ा सा मूड एंटरटेन हो जाएगा, बहुत अजीब सा लग रहा है। और बहुत लेट उठी हूँ यार, आज बहुत लेट उठी हूँ। और ये जो मैं दूसरा वाला ORS लेके आई ना, ये वाला मैं आपको बताती हूँ, ये वाला मत लेना, ये वाला। इसकी जगह जो इलेक्ट्रिक आता है ना, वो बहुत अच्छा था यार, उसका स्वाद बहुत अच्छा था। इसका ना स्वाद इतना अच्छा नहीं है। ओके इसमें नो सिग्नल बता रहा है, मतलब कि कनेक्टेड नहीं हुआ ये। यार ये मुझे चलाना नहीं आता सच में। तो देखते हैं आज का ये दिन कैसा जाता है, और पूरा व्लॉग करूंगी और अच्छे से आपको बाय भी बोलूंगी। मैंने बहुत सारी पुरानी वीडियोस में देखा, अच्छे से मैंने बाय नहीं बोला था, तो वो सब मुझे करना है। अभी ना दोस्तों मैं जस्ट कपड़े रखने के लिए नीचे आई थी, और पता है क्या हुआ, एक बहुत बड़ी गाड़ी वाला इतना ज़ोर से स्पीड पे चला रहा। आप देख ही सकते हो, जो ये मेरी गली है ना, इसमें बहुत मतलब लोग रहते हैं, और इतना ज़ोर से चला रहा था वो। या तो अपनी बड़ी गाड़ी होने का उसमें कोई एटीट्यूड टाइप होगा। और एक लड़का उसके सामने से उसे टक्कर मार के जान के जा रहा था, क्योंकि वो लड़का बार बीच में खड़ा हुआ था इसलिए। और उस लड़के ने फिर उसकी गाड़ी का ना कांच वांच भी तोड़ दिया था। अभी देखो उसके हाथ में लगी, तो लोग उसे बैंडेड लगा रहे हैं। और यहाँ पे ना अक्सर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जो बड़ी गाड़ी वाले लोग आते हैं ना, ये एक तो ट्रैफिक में रुकते नहीं हैं, और जो सामने आते हैं ना, जैसे कल परसों भी एक इंसिडेंट्स हुआ था, सामने एक बूढ़ी सी आंटी थी, तो ये लोग क्या करते हैं, उनको धक्का मार के चले जाते हैं। ये दिख रही गाड़ी जो यहाँ पे रुकी हुई, वही वो आदमी है। और पता नहीं क्यों यार, किस चीज़ का इतना एटीट्यूड है इन लोगों में, समझ में नहीं आता यार। अभी इवनिंग हो गई है, और आज मैं बहुत हेल्दी खाने वाली हूँ। बहुत ही अलग सा कुछ खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा। आई नो ये नहीं खाना है मुझे, और बट मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप आंखों से ही देख सकते हो। और अभी मुझे थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे इस तरीके का कुछ खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया है। और ये दोस्तों मैंने ऑर्डर किया है ओवन स्टोरी पिज़्ज़ा से। तो चलिए अब इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले ये बिल देख लेते हैं। तो इसमें एक ये पिज़्ज़ा है और है गार्लिक ब्रेड। तो इसे ओपन करते हैं। ओ गॉड, इनका पैकेजिंग बहुत अच्छा है। आई लव द पैकेजिंग। दैट्स अ गार्लिक ब्रेड, वाओ। एंड दैट्स द पिज्ज़ा, एंड इट इज़ हाफ। और मैंने हाफ ही मंगाया था, क्योंकि मैं पूरा पिज़्ज़ा नहीं खा सकती, बहुत ज़्यादा हो जाता है इसीलिए। और इसके साथ आया है सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, वन मोर सीजनिंग। तो चलिए अब इसे इंजॉय करते हैं। तो मैं ये ओवन स्टोरी से फर्स्ट टाइम खा रही हूँ ये। इनका गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छा है, चीज़ी है सबसे मेन चीज़, क्योंकि ज़्यादातर जगह का चीज़ी चीज़ रहता, तो इनका चीज़ी है। पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसे फटाफट से खा लेती हूँ, पेट की आत्मा को पहले शांत कर लेती हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये दिन ऐसा ही है, तबीयत ख़राब थी तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, बोरिंग दिन था। पर आपके साथ हमेशा ट्रुथ वीडियो शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तबीयत ख़राब है मेरी जैसी, तो ORS का घोल पीना, और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इसी तरीके से पिज़्ज़ा मंगा लेना।
खाना, मस्त करना, इंजॉय करना। बाय, मिलूंगी वापस एक और ब्लॉग में।